हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिश्का तरकर। आज का ये वीडियो एक रीज़न की वजह से बना रही हूँ मैं। जैसे बहुत से मेरे फॉलोअर्स को पता है कि मैंने जेट सेट मैगज़ीन कवर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ है और मैं करंटली अच्छी पोजीशन पे ही चल रही हूँ और ये फॉर अनदर वन मंथ ही कॉन्टेस्ट चलेगा। तो इसमें काफ़ी वोट्स की ज़रूरत होती है। But this video is not about me winning. This video is all about the cause. जो ये मैगज़ीन का कवर है जेट सेट, जो भी इसमें जो विनर होगा, जो भी इससे जो फंड रेज होंगे, वो जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे जिनको कैंसर हो जाती है, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करेगा। और इसमें जो भी विनिंग अमाउंट है वो उस टॉप मॉडल को दिया जाएगा। सो रिसेंटली मेरी फैमिली में अभी एक साल पहले ही मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए बिकॉज ऑफ कैंसर। एंड वेरी रिसेंटली माय चाची जी आल्सो गॉट एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ कैंसर। हमें लगता था कि कैंसर हमारी फैमिली को नहीं हो सकता, मतलब ऐसा लगता था कि दूसरी फैमिलीज में होता होगा, मगर हम लोग तो अपना बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं और कैंसर हमें नहीं होगा। और मगर हो गया। और इसमें ना पेशेंट से ज़्यादा, पेशेंट को तो तकलीफ़ होती ही है, उसकी फैमिली को बहुत तकलीफ़ होती है। फाइनेंशली भी बहुत एक फाइनेंशली बहुत बर्डन आता है एक फैमिली पे, इमोशनली भी आता है। सी, इमोशनल सपोर्ट तो हम कर नहीं सकते, बट फाइनेंशली आई फील के जो जितना कर सकता है उसे करना चाहिए। सो विद दिस, सिंस आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस ऑलरेडी, अगर मैं जीतती हूँ तो मैं अपनी तरफ से, मेरी जो विनिंग अमाउंट है उसमें से 10 लाख मैं इस जो फाउंडेशन है, ये बी पॉजिटिव फाउंडेशन जो कि कैंसर पेशेंट्स की फैमिलीज़ के लिए फाइनेंशली सपोर्ट करता है, मैं उनको देना चाहूँगी। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने कर्मास को अच्छा करने के लिए कह रही हूँ, और मैं इसलिए बोल रही हूँ ये कि अगर वहाँ पे, अगर जो भी कोई सुन रहा है उसे ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी आपको किसी के लिए अच्छा करना है, तो उस दिन का वेट ना करो कि कभी आप बहुत बड़े हो गए तो आप किसी के लिए कुछ कर पाओगे। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी के लिए सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, तो कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आपका कर्मा अच्छा होगा क्या नहीं होगा, किसी की हेल्प हो सके तो वो कर दीजिए। मैं अभी काफ़ी महीने इंडिया में रह के आई, मैं अभी US में हूँ, और मिलने आने से पहले मैं मिल के आई थी अपनी चाची जी से, और उन्होंने लास्ट में मुझे ये, उनके घर में एक डेकोरेटिव आइटम था, उन्होंने मुझे दिया था। आई मिस हर सो मच। तो मेरी तरफ से जो 10 लाख रुपए होंगे अगर मैं जीती, तो देखो अपने घर से तो मैं क्या ही दूंगी, अगर मैं जीत गई तो मैं ये 10 लाख रुपए इस फाउंडेशन को देना चाहूँगी। और आगे कोई भी, जो भी मैं अर्निंग करती हूँ उसमें से कुछ अमाउंट तो डेफिनेटली मैं सोसाइटी को हेल्प करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं काफ़ी छोटी थी तो हमेशा से ये था कि मैं बड़ी होंगी तो मैं ऑर्फनेज को, जो ओल्ड एज होम होते हैं उनको सपोर्ट करूँगी, ऐसे अंदर से आता था। बड़ी हुई और जॉब किया, जो भी मैं काम करती हूँ, एक्टिंग और मॉडलिंग, मगर कभी भी शायद इतना पैसा नहीं आता आपके अकाउंट में कि आपको लगे कि जी भर के आप सपोर्ट कर दो। बट लाइफ में ऐसे टाइम आ जाता है कि व्हेन यू थिंक कि अब नहीं तो कब। तो मेरे लिए वो अच्छा टाइम आ गया कि इट्स टाइम के गिव बैक टू द सोसाइटी। तो मैं अपनी तरफ से ये छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, और
मैं चाहूँगी कि आप लोग, अगर आपसे हेल्प हो सके तो आपको बस ये करना है कि जो लिंक दे रही हूँ मैं नीचे जेटसेट मैगज़ीन का, उसमें क्लिक कीजिए, मिश्का तरकर जो कि मेरा नाम है उसको वोट कीजिए, फ्री भी है, और अगर आपको 24 घंटे में एक बार आप उसको आप वोट कर सकते हैं, और नहीं तो आप $1 = 1 vote ये भी ऑप्शन है, तो वो कितना भी आप कर सकते हो, आप वोट खरीद सकते हो, नहीं तो फ्री है, बस लिंक पे क्लिक करना है, आप वहाँ पहुँच जाओगे, मिश्का तरकर को आपको वोट करना है, फ्री वोट करना है, आपको अपनी FB से लॉगिन करना है और वोट दिया जा चुका है, वो ऐसे आ जाएगा, इतना ही छोटा सा कुछ करना है, इंस्ट्रक्शंस में फिर भी लिख दूँगी, अगर हो पाए तो ज़रूर कीजिएगा, छोटी सी कोशिश मेरी शारदा चाची जी के लिए।